नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आवर। होली से पहले सोने और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट आई है। मंगलवार को भी सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। MCX पर अप्रैल डिलीवरी वाला सोना मंगलवार को 119 रुपए की गिरावट के साथ खुला, लेकिन दिन चढ़ने के साथ इसमें सुधार हुआ। दोपहर 12 बजे यह 67 रुपए यानी 0.15% की गिरावट के साथ 44,838 रुपए पर ट्रेड कर रहा था। सुबह के सत्र में इसने 44,776 रुपए का न्यूनतम और 44,905 रुपए का अधिकतम स्तर छू लिया। जून डिलीवरी वाला सोना भी 13 रुपए की मामूली गिरावट के साथ 45,197 रुपए पर ट्रेड कर रहा था। मई डिलीवरी वाली चांदी भी 117 रुपए की गिरावट के साथ 66,214 रुपए प्रति किलो पर ट्रेड कर रही थी। सोमवार को फिर से सोने चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। HDFC सिक्योरिटी के अनुसार दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोना 302 रुपए सस्ता हुआ, जिसके बाद उसकी कीमत 44,269 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गई। पिछले सत्र में सोना 44,571 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वहीं दूसरी ओर आज चांदी की कीमतों में 1533 रुपए की भारी गिरावट आई है, जिसके बाद चांदी 65,319 रुपए प्रति किलो के स्तर पर आ चुकी है। पिछले सत्र में चांदी 66,852 रुपए प्रति किलो के स्तर पर बंद हुई थी। शुक्रवार को चांदी 294 रुपए की गिरावट के साथ 67,453 रुपए पर बंद हुई थी। पिछले साल अगस्त में सोना 56,200 रुपए प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था, लेकिन उसके बाद इसमें 11,000 रुपए से अधिक की गिरावट आ चुकी है। टॉप ग्लोबल वेल्थ मैनेजर क्रेडिट स्विस के मुताबिक अमेरिका में ट्रेजरी यील्ड में तेजी और डॉलर के फिर से मजबूत होने से सोने की कीमतों में आगे गिरावट आ सकती है। उसका कहना है कि इकोनॉमिक ग्रोथ की उम्मीद बढ़ने से सोना अपनी चमक खो रहा है। हाल के हफ्तों में US ट्रेजरी यील्ड में तेजी और अमेरिकी डॉलर के मजबूत होने से भी सोने की कीमत प्रभावित हुई है। वैक्सीनेशन में तेजी और अतिरिक्त स्कल स्टिमुलस से निवेशकों की जोखिम लेने की भूख बढ़ी है। यही वजह है कि सोने के निवेशक सतर्क रुख अपना रहे हैं, जिससे एक्सचेंजेस ट्रेडेड फंड से तेजी से आउटफ्लो हो रहा है। इस महीने की शुरुआत में सोना 44,150 रुपए तक पहुंच गया था, जो एक साल में इसका न्यूनतम स्तर है। इससे सोने की मांग में जोर पकड़ा था। इस साल कीमतें सपाट रहने से डीलरों ने आधिकारिक घरेलू कीमतों पर $6 प्रति औंस का प्रीमियम वसूला। देश में सोने की कीमतों में 10.75% की फीसदी इम्पोर्ट ड्यूटी और 3% GST लगता है। देश में कोरोना वायरस के मामले करीब 4 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए हैं, जिससे एक बार फिर लॉकडाउन की आशंका पैदा हो गई है। ऐसी आशंका है कि देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों से दुकानों और मॉल्स पर पाबंदी लगाई जा सकती है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। नमस्कार।